नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सर्कस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी डिजास्टर साबित हो चुकी है। फिल्म के कलेक्शन अभी भी आ रहे हैं लेकिन उम्मीद से बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि पहले दिन ही फिल्म का कलेक्शन उम्मीद से काफी कम रहा था, जब फिल्म ने मात्र 6.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, जो कि रोहित शेट्टी की ज्यादातर फिल्मों से, जितनी भी फिल्में अब तक आई है, ज्यादातर फिल्मों का मैं नाम ले रहा हूँ, उनमें से सबसे कम ओपनिंग रोहित शेट्टी की फिल्म की रही है। इससे पहले जो उनकी सूर्यवंशी आई थी, उसकी 27 करोड़ रुपए का पहला दिन की ओपनिंग रही थी। तो दोस्तों, उसके बाद में भी फिल्म के कलेक्शन में कोई ज्यादा सुधार देखा नहीं गया। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 6.40 करोड़ रुपीज आया और दोस्तों संडे को फिल्म का कलेक्शन 8.20 करोड़ रुपीज आया, जो कि मैक्सिमम रहा है। मंडे के बाद दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में तेजी से ड्रॉप देखने को मिला, फिल्म के शो रिड्यूस हो गए और दोस्तों फिल्म को थिएटर से उतारा जाने लगा, क्योंकि फिल्म दर्शकों को पसंद भी नहीं आई, नहीं दोस्तों क्रिटिक्स को पसंद आई। दोस्तों, जहां तक मंडे की बात करें, मंडे को कलेक्शन रहा 2.70 करोड़ रुपीज, वहीं दोस्तों ट्यूजडे को 2.50 करोड़ रुपीज रहा। बात करें वेनेसडे की, वेनेसडे को 2.25 करोड़ रुपीज का कलेक्शन फिल्म ने किया है। और दोस्तों, जहां तक कल की बात करें तो अभी तक की जो रिपोर्ट है, तो कल फिल्म का कलेक्शन 2.10 करोड़ रुपीज आया है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन फिल्म का आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार सर्कस फिल्म ने अपना एक सप्ताह पूरा कर लिया है, 7 दिन कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट वीक का जो सर्कस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन हो जाता है वो दोस्तों 30.40 करोड़ रुपीज, 30.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने फर्स्ट वीक में सर्कस फिल्म ने किया है, जो कि उम्मीदों से बहुत ही कम है। सर्कस से उम्मीद की जा रही थी कि फर्स्ट वीक का कलेक्शन कम से कम भी 60 करोड़ रुपए से अधिक रहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया और फिल्म का कलेक्शन उम्मीदों से बहुत ही कम रहा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है, डिजास्टर साबित हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों फिल्म का बजट 115 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। दोस्तों, जहां तक आज की बात करें तो आज भी फिल्म को कोई ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं आज के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि सर्कस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का जो ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 36 करोड़ रुपए रहा है। और दोस्तों, फिल्म ने फर्स्ट वीक में ओवरसीज से भी करीब करीब 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, तो 9 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार सर्कस फिल्म का फर्स्ट वीक का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो हो जाता है करीब 45 करोड़ रुपीज, 44.5 से 45.50 करोड़ रुपए के बीच में इसका फर्स्ट वीक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों, जहां तक आज की बात करें तो आज फिल्म को एडवांस बुकिंग करीब 40 लाख रुपए के आसपास एडवांस बुकिंग फिल्म को प्राप्त हुई है। तो आज भी ये फिल्म कोई विशेष ज्यादा अच्छा कलेक्शन करने वाली नहीं है, बल्कि कल से भी कम कलेक्शन फिल्म का आ जाएगा। तो आज फिल्म का कलेक्शन करीब करीब 1.80 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में रहने की संभावना है। अब देखते हैं फिल्म किस प्रकार से आज कलेक्शन कर पाती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 2 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन आज फिल्म का किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है, क्योंकि फिल्म के शोज काफी जगह रिड्यूस किए जा चुके हैं और दोस्तों फिल्म को थिएटर से उतारा जा रहा है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है, कहीं पर भी ऑक्यूपेंसी 8% 9% से ज्यादा नहीं है, तो काफी कम थिएटर ऑक्यूपेंसी है। हालांकि सर्कस के लिए अच्छी बात यह है कि आज कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए सर्कस के पास अभी आसानी से काफी समय है कि वो कुछ कलेक्शन और कर सके। हालांकि अवतार 2 बहुत जबरदस्त कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर इस समय भी कर रही है और सर्कस उसके सामने कहीं पर भी ठहरती हुई नजर नहीं आ रही है। आदि विशेष की फिल्म हिट द सेकंड केस आज रिलीज हो रही है, इसका हिंदी में डब करके इसको रिलीज किया जा रहा है, लेकिन सर्कस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सर्कस का कलेक्शन तो वैसे ही इतना कम आ रहा है कि अभी और क्या कम होगा। खैर दोस्तों, फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।